हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, CMCQ CHO से रिलेटेड है जो कि सभी नर्सिंग स्टाफ्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट पॉइंट है, राइस की पॉलिशिंग के दौरान कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन B12, बी है थायमिन, सी है विटामिन ए एंड डी पॉइंट है विटामिन के। कौन सा फ्रेंड विटामिन्स है जो कि राइस की पॉलिशिंग के दौरान नष्ट हो जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, थायमीन। एंड सेकंड पॉइंट है, गर्म करने पर भोजन तैयार किया जाता है, इस मेथड को क्या कहते हैं। एट बॉइलिंग पॉइंट, अबव बॉइलिंग पॉइंट एंड सी है बिलो बॉइलिंग पॉइंट एंड डी है इन नॉर्मल वाटर। गर्म करने पर भोजन तैयार किया जाता है, इस मेथड को फ्रेंड बिलो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बिलो बॉइलिंग पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट है, ब्रेक पाउडर को मिर्ची पाउडर में मिलाने को क्या कहते हैं। ए है फूड टॉक्सिएशन, बी है फूड एडिटिव, सी है फूड फोर्टिफिकेशन एंड डी है फूड अल्ट्रेशन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एंड फोर्थ पॉइंट है, निम्नलिखित में से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को आइडेंटिफाई करें। ए है HIV एंड एड्स, बी है हर्पस सिंप्लेक्स सेकेंड, सी है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन एंड डी पॉइंट है ऑल द अबव। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड से रिलेट्स फ्रेंड इसमें सभी हैं, इसलिए इसका आंसर ऑल द अबव है। एंड फिफ्थ पॉइंट है, मॉस्किटो जो कि अकेले ही अंडे देता है उसे क्या कहते हैं। ए है एडिस, बी है एनोफिलिस, सी है क्यूलिक्स एंड डी ऑप्शन है मैंसोनिया। मॉस्किटो जो अकेले ही अंडे देता है फ्रेंड ऑप्शन बी है एनोफिलिस। एनोफिलिस फ्रेंड्स मॉस्किटो जो है जो कि अकेले ही अंडे देता है। एंड सिक्स पॉइंट है, टिटनेस वैक्सीन लगाने पर क्या प्रतिक्रिया होती है। फ्रेंड इसे पढ़ें और इसका आंसर बताएं। टिटनेस वैक्सीन लगाने पर क्या प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्रेकियल न्यूराइटिस। एंड सेवेंथ पॉइंट है, वेलबींग के सब्जेक्टिव कंपोनेंट्स को रेफर है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वेलबींग के सब्जेक्टिव कंपोनेंट को रेफर है। फ्रेंड्स इसे पढ़ें और इसका आंसर बताएं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ फ्रेंड वेलबींग के सब्जेक्टिव कंपोनेंट का रेफर है। एंड एट्थ पॉइंट है, स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए चल रहे मापन का उल्लेख क्या है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए चल रहे मापन का उल्लेख फ्रेंड डी पॉइंट है सर्विलेंस। एंड नाइन्थ पॉइंट है, हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन की प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट प्रक्रिया कौन सी है। ब्लॉक डेवलपमेंट है या कम्युनिटी डेवलपमेंट है या हेल्थ डेवलपमेंट है एंड डी है सोसाइटी डेवलपमेंट। हेल्थ की स्टेटस को पॉपुलेशन की प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट प्रक्रिया फ्रेंड ऑप्शन सी है हेल्थ डेवलपमेंट। एंड टेंथ पॉइंट है, अप्रवासियों की संक्रमण बीमारी के लिए स्क्रीनिंग क्या कौन सा है फ्रेंड। प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग या मास स्क्रीनिंग या सिलेक्टिव स्क्रीनिंग या प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग। अप्रवासियों की संक्रमण बीमारी के लिए स्क्रीनिंग कौन सा है फ्रेंड,
इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग। एंड 11th पॉइंट है, चिकनगुनिया स्पेसीज किस फैमिली से रिलेटेड है। फ्रेंड इसे पढ़े और इसका आंसर बताएं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सॉरी फ्रेंड, 12th पॉइंट है, स्कैबीज क्या है। नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज, ये कंटेजियस डिजीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड डी है फंगल इन्फेक्शन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कंटेजियस डिजीज। फ्रेंड इसके बी जो है फ्रेंड ये कंटेजियस डिजीज है। एंड 13 पॉइंट है, जियोग्राफिकल एरिया में इन्फेक्शन की लगातार उपस्थिति का अस्तित्व किसी एक्सटर्नल इनपुट के बिना रूप में माना जाता है। एपिडेमिक है या पैंडेमिक है या इंडेमिक है या स्पोरेडिक है। जियोग्राफिकल एरिया में इन्फेक्शन की लगातार उपस्थिति का अस्तित्व किसी एक्सटर्नल इनपुट के बिना के रूप में जमाना जाता है। ऑप्शन राइट आंसर इंडेमिक। एंड 14 पॉइंट है, सभी मेथड वेक्टर द्वारा फैलने वाला इन्फेक्शन संहिताबद्ध है सिवाय किसी एक को छोड़ करके। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन CHO से रिलेटेड हैं और ये सभी नर्सिंग से ही रिलेटेड है फ्रेंड, जो कि नर्सिंग स्टाम्प्स में पूछे जाते हैं। सभी मेथड वेक्टर बॉर्न द्वारा फैलने वाला इन्फेक्शन संहिताबद्ध है सिवाय किसी एक को छोड़ करके। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। एंड 15 पॉइंट है, वैक्सीन जो कि बेबी में परमानेंट स्कार छोड़ती है उसे क्या कहते हैं। मीजल्स, पेंटावेलेंट, DPT एंड BCG। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, BCG। BCG वैक्सीन फ्रेंड बेबी में परमानेंट स्कार छोड़ती है। एंड 16 में पूछा है कि पर्टुसिस का अदर नाम क्या है। रूबेला, रूबेला, वूपिंग कफ एंड डिप्थीरिया। पर्टुसिस का अन्य नाम क्या है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वूपिंग कफ। वूपिंग कफ को फ्रेंड पर्टुसिस का अदर नेम भी कहते हैं। एंड 17 पॉइंट है, मीजल्स वैक्सीन का स्टोर रेफ्रिजरेटर किस भाग में होता है। चिल्ड ट्राई एंड डीप फ्रीजर, ट्रे बिलो द फ्रीजर एंड सीलेंस इन द डोर। मीजल्स वैक्सीन का स्टोर रेफ्रिजरेटर किस भाग में होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डीप फ्रीजर। एटीन पॉइंट है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को किस रूट से लगाते हैं। ए है इंट्राडर्मल, बी है सबक्यूटेनियस, सी है इंट्रामस्कुलर एंड डी पॉइंट है इंट्रावीनस। फ्रेंड्स इसे पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को किस रूट से लगाते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंट्रामस्कुलर। एंड 19 पॉइंट है, मीजल्स वैक्सीन किस टाइप्स की वैक्सीन है। लाइव वायरल वैक्सीन, बी है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन, सी है किल्ड वैक्सीन एंड डी पॉइंट है टॉक्सिड वैक्सीन। मीजल्स वैक्सीन फ्रेंड एक लाइव वायरल वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड 20 पॉइंट है, लेप्रोसी का अदर नाम क्या है। फ्रेंड्स इसे पढ़ें और इसका आंसर बताएं। लेप्रोसी का अदर नेम फ्रेंड ऑप्शन ए है, हैंसन डिजीज।
अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।